नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। क्या आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेज रहे हैं और उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, या सामने वाले की डिस्प्ले पिक्चर काफी समय से आपको दिखाई नहीं दे रही, तो हो सकता है आपको सामने वाले ने व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो व्हाट्सएप यूजर की गोपनीयता के चलते आपको नहीं बताता। इसीलिए ब्लॉक हुए यूजर को कई बार ये नहीं पता चल पाता कि उन्हें ब्लॉक किया गया है। हालांकि कुछ टिप्स और ट्रिक्स की मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपको किसने ब्लॉक किया, व्हाट्सएप पर किसने किया ब्लॉक। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट्सएप पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे ये पता लग जाए कि आपको किसने ब्लॉक किया है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप ब्लॉक की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। यह हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। लास्ट सीन देखें। यदि आपको लगता है कि आपको कॉन्टैक्ट में मौजूद किसी दोस्त ने ब्लॉक कर दिया है तो उसका लास्ट सीन और स्टेटस देखें। अगर उसका लास्ट सीन स्टेटस नहीं दिख रहा तो इसका कारण ब्लॉक हो सकता है। हालांकि लास्ट सीन प्राइवेसी में जाकर हाइड भी किया जा सकता है, लेकिन नंबर ब्लॉक करने से भी लास्ट सीन और स्टेटस नहीं दिखता। नंबर दो, प्रोफाइल पिक्चर चेक करें। लास्ट सीन के बाद दूसरा तरीका यह है कि आप उसकी प्रोफाइल को चेक करें। अगर आपको उसकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रही तो हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक करके रखा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर हाइड करके रखी हो, लेकिन यदि लंबे समय तक प्रोफाइल पिक्चर ना दिखे तो आपको समझ जाना है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया। नंबर तीन, मैसेज सेंड करें। जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं तो आपके मोबाइल से मैसेज सेंड हो जाने के बाद मैसेज के नीचे एक टिक नजर आता है। जब आपका मैसेज सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर शो हो जाता है तो डबल टिक नजर आते हैं। यदि आपके मैसेज भेजने के काफी समय बाद सिंगल टिक ही रहता है तो आपके ब्लॉक होने का कारण हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक होने के बाद आपका मैसेज सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता। नंबर चार, दूसरे अकाउंट से मैसेज करें। यदि आपके पहले अकाउंट से लास्ट सीन नहीं दिख रहा या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा तो ऐसी स्थिति में आप अपने दूसरे अकाउंट या अन्य दोस्त के व्हाट्सएप से उसे मैसेज करके देख सकते हैं। यदि इस अकाउंट से लास्ट सीन दिख रहा है और मैसेज का रिप्लाई आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। नंबर पांच, ग्रुप बनाए। इस तरीके से आप फाइनली जान सकते हैं कि आपके दोस्त ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं। इसके लिए एक ग्रुप बनाएं और उसमें अपने दो से तीन दोस्तों को ऐड करें। इसमें उस दोस्त को भी ऐड करें जिस पर आपको शक है। अगर वो ऐड हो रहा है तो इसका मतलब उसने आपको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन अगर वो ऐड नहीं हो रहा और ऐड करने पर यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू ऐड दिस कॉन्टैक्ट इस तरह का मैसेज शो हो रहा है तो इसका मतलब उसने आपको ब्लॉक कर दिया। नंबर छह, अकाउंट डिलीट। कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्त अकाउंट डिलीट कर देते हैं, इसके बाद उसको मैसेज सेंड नहीं होते। अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त ने अकाउंट डिलीट कर दिया है तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको व्हाट्सएप के चैट ऑप्शन पर जाना है। अब अपने दोस्त के डीपी पर क्लिक करें। अगर मैसेज और कॉल के ऑप्शंस दिख रहे हैं तो अकाउंट बंद नहीं किया गया, लेकिन यदि इनवाइट लिखा आ रहा है तो अकाउंट डिलीट किया जा चुका है। तो अब आप जान गए होंगे कि व्हाट्सएप पर किसने ब्लॉक किया है, कैसे पता करें। आपको पांच आसान तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से जान सकते हैं कि किस दोस्त ने आपको ब्लॉक किया। अगर आपको अपने दोस्त पर शक है तो आपको उसका लास्ट सीन प्रोफाइल पिक्चर देखना है। इसके साथ ही आपको मैसेज सेंड करना है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा और ना ही रिप्लाई आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपके दोस्त ने आपको ब्लॉक कर दिया है।